नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि हर इंसान रोता हुआ तो जन्म लेता है, लेकिन क्यों आखिर मरते समय भी हजार में से सिर्फ एक आदमी के चेहरे पे एक स्माइल होती है। आज हमारा देश एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले में नंबर वन पे पीक पे पहुंच गया है, जबकि रिसर्च ये कहती है कि खुशियों का संबंध ना पैसे से है, ना पद से है, ना घराने से या किसी चीज़ से है। और तो और रिसर्च ये भी बताती है कि हमारे बहुत सारी बीमारियां, इम्यूनिटी, इसकी प्रॉब्लम का एक ही कारण है और वो है दुखी रहना। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो लोग हमेशा खुश रहते हैं उनकी वो क्या पांच आदतें हैं जिनको कि आप अपने जीवन में अपनाकर आप भी हमेशा खुश रह सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को हमेशा के लिए गुड बाय बोल सकते हैं, अपनी इंस्पिरेशन को पीक पर रख सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, प्रोडक्टिविटी को अच्छे लेवल पर रख के अपने लाइफ को एक हीरो की तरह जी सकते हैं। पहला पॉइंट, एक्सपीरियंस वर्सेस मैटर। क्या है कि एक छोटा सा बच्चा एक 10 रुपए की गेंद को भी हवा में उछालकर खुश रहता है, स्माइल करता रहता है, लेकिन वहीं उसके पिता 10 करोड़ के बंगले में रहकर भी डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। इसका रीजन ये है कि उनके पिता का ब्रेन अनहैप्पी ब्रेन है। वो हमेशा मैटर को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि घर, बड़ी गाड़ी, कोई बंगला, इस तरह की चीज़ें, जिसके सहारे कि वो अपने ईगो को बड़ा बना सकें, लोगों के सामने अपनी इंप्रेशन को जमा सकें। वहीं जो हैप्पी ब्रेन वाले लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस पे खर्च करते हैं, मतलब कि कहीं घूमने जाना, किसी नई जगह को देखना, कुछ नए खाने को ट्राई करना, किसी नई स्किल को सीखना, डांस सीखना, गिटार सीखना, इस तरह की चीज़ें। और न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि जब आप किसी नई चीज़ को सीखते हैं उस समय जो आपके ब्रेन का नॉइज़ है वो नॉइज़ कम हो जाता है और इसके कारण आपके ब्रेन में हैप्पी केमिकल्स इमर्ज करती हैं और आप हमेशा खुश रहते हैं। इसलिए सिर्फ मैटर को पोजेस करने के बजाय, जैसे घर, बंगला, गाड़ी, इसके सहारे सिर्फ आप अपने ईगो को बढ़ाएंगे, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस पे खर्च करते हैं तो आप अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं, आप अपने माइंड को एक बार फिर से हील करते हैं। दूसरा पॉइंट, नो ग्रजेस। आजकल हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ कि हर इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। अगर किसी इंसान के बारे में बातें करो तो हजारों बुराइयाँ उसके बारे में बता सकता है। इंसान दरअसल अपने पीछे एक ऐसी गाड़ी को खींच रहा है जिसमें कि शिकायतें हैं, नफरत है। लेकिन दोस्तों, ये ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसमें नफरत के लिए, दुख के लिए, ईर्ष्या के लिए और क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। और ये न्यूरोसाइंस का रिसर्च कहता है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हिप्पोकैम्पस, जहाँ की हमारी मेमोरीज स्टोर होती हैं। अब यहाँ पे अगर सारी नेगेटिव मेमोरी रहेंगी तो ये क्या करती हैं, हमारे एमिग्डाला को एक्टिवेट कर देती हैं, जिसके कारण कि हम हमेशा दुखी महसूस करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हम हमेशा नाराज ही रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। दोस्तों, आपका ब्रेन उस थैले की तरह है जहाँ कि अगर आप कचरे को भरोगे तो आपको बदबू आएगी और जहाँ अगर आप सुंदर फूल को रखते हो तो वहाँ पर खुशबू आएगी। अगर आप अपने ब्रेन में सिर्फ नेगेटिव मेमोरीज को रखोगे, किसी के लिए गुस्सा, किसी के लिए नफरत को रखोगे तो आप जल्द ही बीमार पड़ने लगेंगे। पार्किंसनिज्म, IBS, ऐसी बहुत सारी लाइलाज बीमारी, इवन कैंसर भी उन लोगों में देखा गया है जो कि हमेशा गुस्से में रहते हैं, दूसरों से नफरत करते हैं। इसलिए अपने दिल को आज ही साफ करें। कुछ इस तरह से मैंने अपने दिल को साफ कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। खुश लोगों की जो तीसरी आदत है वो है लिसन टू ऑल बट फॉलो योर ओन हार्ट। आज हम उस युग में जी रहे हैं जो कि हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के सहारे जिसको कि हमने कमाया ही नहीं है, उस सामान को खरीदने में जिसकी कि हमें कभी ज़रूरत ही नहीं है, और उन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में जो लोग हमारे जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। हमें ये सोसाइटी ने ट्रेन किया है कि हमें खुद की खुशी के लिए नहीं जीना, हमें दूसरों को खुश रखना है। अगर किसी स्टूडेंट से पूछो वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस है वो ये कहेगा, इसलिए क्योंकि मेरे बाकी के कलीग्स ने भी ऐसा ही किया है, या मेरे पापा ऐसा चाहते हैं, या मेरी सोसाइटी ऐसा चाहती है। लेकिन जो लोग खुश रहते हैं, जिनके पास हैप्पी ब्रेन है, वो खुद से सवाल पूछते हैं कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मेरी खुशी किस बात में है, क्योंकि मैं दुनिया को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। अगर मैंने अपनी खुशी का ख्याल ना रखा तो कौन होगा जो कि मेरी खुशी का ख्याल रखेगा।
इसलिए आप हैप्पी ब्रेन बनाएं, आप खुद से सवाल पूछें कि वो कौन सा ऐसा करियर है जो कि मुझे खुशी दे सकता है, वो कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में मेरे अंदर का संगीत जागृत होता है। मनोज मुंतशिर, उनकी शादी इस बात के लिए टूट गई थी कि उनके रिश्तेदार चाहते थे कि वो एक इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दिल की सुननी है, मुझे एक राइटर बनना है, मुझे पता है कि इस जीवन में कष्ट हैं, स्ट्रगल हैं, शायद मैं कभी कामयाब ना हो पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं खुश रहूँगा, मैं जिंदा रहूँगा। एक अमीर बनकर एक लाश की तरह जीने से कोई मतलब नहीं है। जीवन तो वो है जहाँ भले ही आपकी जेब में चंद रुपए हों पर चेहरे पे एक ऐसी स्माइल हो जिसको देखकर दुनिया मर मिटे। चौथी हैबिट जो कि खुश लोगों में होती है, हैप्पी ब्रेन की हैबिट है, वो है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब सकारात्मक सोच। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारे जीवन में कुछ नेगेटिव नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये विश्वास कि कुछ भी बुरा अगर मेरे साथ हो रहा है तो इसके बाद अच्छा जरूर होगा, अगर अभी रात है तो इसके बाद सवेरा जरूर होगा। ये विश्वास अपने से ऊपर की शक्ति पे, परमात्मा पे, कि परमात्मा ने अगर मुझे ये चैलेंज दिया है तो उससे कोई मिस्टेक नहीं हो सकता, इसमें ज़रूर कुछ मेरा फ़ायदा है और उसने ये सोच कर दिया है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूँ, इसीलिए शायद उसने मुझे ये प्रॉब्लम दी है। दोस्तों, जिस तरह से कोई भी लॉक बिना चाबी के नहीं बनती, उसी तरह से कोई भी समस्या बिना सॉल्यूशन के नहीं बनती है। आपको अपने ब्रेन को यूज़ करना आना चाहिए और परमात्मा पे, बड़ी शक्ति पे फेथ या विश्वास रखना चाहिए। कई बार हो सकता है जो चैलेंजेस आपके जीवन में आई हैं वो आपके शरीर के लिए कष्टदायी हो, माइंड के लिए अनकंफर्टेबल हो, लेकिन मेरा यकीन जानो वो आपकी आत्मा के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही सुदृढ़ हैं और बहुत ही शक्तिदायक हैं। उदाहरण के लिए, मैं कभी स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि बचपन में मैं कम बोलता था और मुझे बच्चे बहुत परेशान करते थे, लेकिन इतनी परेशानी को झेलने के कारण इसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने वो परिस्थितियां झेली जिसके कारण कि मेरा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं कॉलेजेस में कंफर्टेबल था और उसके बाद मैं स्टेज पे भी कभी जाता था तो मुझे कोई डर नहीं लगता था, और यही कारण है कि आज मैं इंडिया के बहुत सारे स्टेजेज पे जा चुका हूँ और बहुत सारी कंपनियों के लिए मैंने कीनोट स्पीकिंग की है। तो हो सकता है जो भी आपके लाइफ की चैलेंजेस हैं वो आपको डिस्कम्फर्ट दे रही हों, लेकिन इस बात को याद रखना कि जो भी डिस्कम्फर्ट है इसका प्राइस आपको मिलेगा, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, और वो फ़ायदा जब मिलेगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। और खुश रहने वाले लोगों की जो पांचवी आदत है वो है कि वो उस बात पर फोकस करते हैं जिस स्थिति को वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपने जीवन में देखा होगा सिर्फ दो तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, एक ऐसी जिसमें कि हम कुछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, और एक ऐसी होती है जिस पे कि हमारा कंट्रोल नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर मान लो हमने किसी फ्लाइट को बुक किया तो हम ये सर्च कर सकते हैं, चुन सकते हैं कि हमें किस एयरलाइंस के साथ जाना है, हम टाइमिंग को भी चुन सकते हैं, लेकिन उसमें एयर होस्टेस कौन होगी, उसका कैप्टन कौन होगा, ये हमारे कंट्रोल के बाहर की बात है। तो उस पर अगर हम अपने ध्यान को लगाएंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। इसके अलावा हमें लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं खुद से ये पूछना चाहिए, इसमें क्या पार्ट ऐसा है जिसको कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इस स्थिति में अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे अपने पूरे ध्यान को वहाँ लगाना है जहाँ पे कि मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। और न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि जहाँ आपकी फोकस जाती है वही आपके लाइफ के रिजल्ट को डिटरमाइन करता है। जब आप एक्शनेबल पॉइंट पे अपने फोकस को रखते हैं तो आपका ब्रेन इंस्पायर्ड फील करता है, वो कंट्रोल में फील करता है, उसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और इसके कारण हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन रिलीज होता है और सीरोटोनिन रिलीज होता है। लेकिन वहीं अगर आप लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ब्रेन को ऐसा लगता है कि मैं फंसा पड़ा हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मेरे ऊपर तलवार लटक रही है, और इसके कारण एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज होता है और आपका ब्रेन अनहैप्पी ब्रेन बन जाता है। इसलिए दोस्तों, इन टेक्निक्स को आप अपने लाइफ में यूज़ करना शुरू करें। तो आज हमने क्या सीखा, हैप्पी लोगों की आदतें। पहला पॉइंट ये है कि कोई जीवन में ग्रज ना रखो। दूसरा पॉइंट है कि एक्सपीरियंस पे ज़्यादा खर्च करो, मैटर को कलेक्ट करने की जमीन जायदाद की परवाह छोड़ दो। तीसरी बात यह है कि ऑप्टिमिज्म रखो, कोई भी परिस्थिति आए अगर नेगेटिव तो ये सोचो कि ये एक स्टेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। चौथी बात ये कि आप सबकी सुनो लेकिन अपने दिल की ही करो। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ वहीं पे अपना ध्यान लगाओ और एक्शन लेना शुरू करो। अब आगे क्या,
आगे ये कि आपने इसमें से क्या सीखा, उसमें से एक बात कमेंट करके लिखें। जब भी आप कमेंट करते हैं तो आप अपनी लर्निंग को 33% ज़्यादा इन्हेंस करते हैं। और इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों को भेजें ताकि उनकी लाइफ में कोई बदलाव ला सके। इस चैनल पे और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहीं के यहीं ना रुकें। थैंक यू।